हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उनको आज हम देखेंगे और उनके संभावित आंसर को जानेंगे कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक क्या था और उसका लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो 81 से शुरू होता है, ये सेट नंबर सी है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नकोजी ओकोंजी इवेला विश्व की प्रथम अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे ब्याट विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किस देश से संबंध रखती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। तो दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर एक खिलाड़ी को हराकर किसने जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि CPEC का प्रोजेक्ट क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच का यात्रा शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली मनासिर दानापुर बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास पासवान मरणोपरांत। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विश्व विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 4 लोगों को बिहार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। अगला प्रश्न है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वो 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविश कुमार। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी कुमारी सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत फाउंडेशन के ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित रैसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों के पुनः उद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अन्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को निम्न इनमें से किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष से वर्ष 2014 को शुरू किया गया था।
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग SI का द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव के लिए प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में अनुष्ठित टोक्यो पैरालंपिक 2022 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी पैड प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज स्वच्छता संवाद QSDGC क्वाड के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, US, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे की नोबेल समिति। तो दोस्तों ये रहा आज के UPSC CDCO का एग्जाम के टोटल 30 प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।